अखिलेश यादव मेरोली विधानसभा के विधायक बरी हो गए क्योंकि इनके द्वारा किया गया झूठा केस गिर गया, एक और केस गिरा। और मैं बता दूं विजय जी की नॉलेज को दुरुस्त करते हुए कि आज ये केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए कानून नहीं बनाया है, ये सत्ता हड़पने के लिए कानून बनाया है। अगर सत्ता से इतना प्यार है विजय जी तो चुनावी मैदान में आओ, हिम्मत है तो चुनाव हमारे सामने लड़के दिखाओ, और अगर हिम्मत है तो चुनाव हरा के दिखाओ। इस चोर दरवाजे से अरविंद केजरीवाल जी की चुनी हुई सरकार की शक्तियां खींचने की जरूरत मत कीजिए, ये दिल्ली की जनता का अपमान है, दिल्ली की जनता इसका बदला आपसे लेगी। विजय जी, हमें चोर दरवाजे की क्या जरूरत है, हम तो पार्लियामेंट के अंदर बिल ला रहे हैं, चुनी हुई सरकार ला रही है, उसके ऊपर वहां पे बिल पास होगा तो पारित होगा। और दूसरा, आपको कोई शक करने की जरूरत नहीं है, अभी तो आपके चुनाव के बाद दिल्ली में सातों के सातों एमपी हमारे जीते, आप क्यों बार बार इस बात को कह रहे हैं। पिछली तीन बार से कॉरपोरेशन जिसमें छोटा छोटा आदमी जीतता है वो सारे हमारे मेजोरिटी से जीते हैं, आप तो अभी चार सीटें जीते हैं, इससे पहले वाले बाई इलेक्शन में भी आप हार गए थे, तो मेरे को ये बात मत कहिए। हाँ, आप ये कहिए कि भी क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको असहयोग कर रहे हैं, पिछले छह साल में एक अपना अच्छा निर्णय बता दीजिए जो एलजी ने रोका हो, तब तो आप उनकी शिकायत करिए। ये आप मेरे से या सेंट्रल गवर्नमेंट की शिकायत नहीं कर रहे, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की शिकायत कर रहे हैं, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसने ब्यूरोक्रेसी के रूप में मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप छह साल के अंदर कोई ऐसा निर्णय बताइए, मैं आपको छह साल में ऐसे निर्णय बता देता हूं जिसमें आपने काम नहीं किया। आपने आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दी क्योंकि आप यहाँ पर दिल्ली के अंदर सत्ता में बैठे हैं, आपने किसान सम्मान निधि नहीं लागू करने दी, ये मेरे पास कागज रखे हैं, आपने इसके ऊपर इसके बाद जो चार मंत्री हैं उसका आपने जवाब नहीं दिया, आपने जो भ्रष्टाचार के हैं उसके कोई जवाब नहीं दिए, आपके चार चार मंत्री हटे उस पर आप नहीं जवाब दे रहे हैं कुछ भी, वो बताइए ना, आप एमएलए की बात कर रहे हैं जी। मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, बहुत दिलचस्पी है विजय जी को आम आदमी पार्टी के विषयों पे। छह साल में विजय जी, छह साल में 600 बार आप लोगों ने और आपके उपराज्यपाल ने, आपकी केंद्र में बैठी सरकार ने हमारे कानून हमारी नीतियां रोकने की कोशिश करी, यहाँ तक कि होम डिलीवरी ऑफ राशन से लेकर मोहल्ला तक की फाइलें उपराज्यपाल अपने दराज में बंद करके बैठना पड़ा, जिसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को अपने मंत्रिमंडल के साथ, मैं भी आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में मत बोलिए, ठीक है, पूरा कर, मोहल्ला क्लिनिक और राशन के बिना भ्रष्टाचार के बंटवारे की फाइल को अरविंद केजरीवाल साहब को पास कराने के लिए 10 दिन उपराज्यपाल के घर में बैठकर धरना देना पड़ा और आंदोलन करके उन्हें मजबूर करना पड़ा, उन पे प्रेशर बनाना पड़ा कि फाइल क्लियर हो सके। दिल्ली वालों के हितों के लिए तो हम लड़ाई लड़ेंगे विजय जी, आप चिंता ना करें, हमें साम दाम दंड भेद हर प्रकार से दिल्ली वालों के लिए लड़ाई लड़नी आती है, उनके हित के लिए काम करेंगे। लेकिन आज ये बात अच्छी नहीं है कि जब आप 25 साल एक सरकार बनाने में नाकाम रहे, उसकी सत्ता छीन रहे हैं। आप मुझे बताएं, अगर सारे अधिकार उपराज्यपाल को ही आपने देने हैं तो दिल्ली में चुनाव क्यों कराते हो? दिल्ली में लोग हर 5 साल अपना मुख्यमंत्री चुनते क्यों हैं? ये लोगों का मजाक नहीं है क्या? हर 5 साल में एक बार जब हमारा मतदाता घर से बाहर निकलता है तो वो मुख्यमंत्री चुनने के लिए वोट डालता है कि उपराज्यपाल चुनने के लिए वोट डालता है? वो किसको वोट डालता है? वो तो मुख्यमंत्री चुनने के लिए वोट डालता है। यदि आज आपके अन्य राज्यों में सरकारें चल रही हैं, अगर वहां पे आपकी सरकार के फैसले पर उपराज्यपाल और वहां का राज्यपाल रोक लगाने लग जाए तो क्या आपकी सरकारें चल पाएंगी? अच्छा, कल जंतर मंतर पर क्या नारा लगाइएगा राघव जी? कल जंतर मंतर पर क्या नारा लगेगा? देखिए अंजना जी, हम इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक जरूर लड़ेंगे, जैसे हमने पहले लड़ा था 2015 में भी यही हकों की लड़ाई शुरू हो गई थी, कई कार्यक्रम आपने भी करे, मैं उन कार्यक्रमों में आया, हम लगातार विस्तार से चर्चा करते थे, सुप्रीम कोर्ट तक गए और अंततः सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत हुई और हमें सारे अधिकार मिल गए, इसीलिए कैसे काउंटर कीजिएगा, संसद तक लड़ाई लड़ेंगे, कैसे काउंटर कीजिएगा विजय जी? अंजना जी, जब गाजियाबाद से ये लोग दिल्ली चुनाव लड़ने के लिए आए थे तब इनको पता था कि ये यूनियन टेरिटरी है, तब इनको पता था कि यूनियन टेरिटरी के अंदर चीफ मिनिस्टर के और लेफ्टिनेंट गवर्नर के क्या अधिकार होते हैं, असेंबली के क्या अधिकार होते हैं, तो इसीलिए आप ये मत बात कहिए जी, पहले वहां से इसको जहां पर चुनाव लड़ने के लिए आ गए, अरे भाई कहीं और चुनाव लड़ते जहां पर पूरा स्टेटहुड था, यहां पर यूनियन टेरिटरी थी, जो अधिकार थे वो थे। और सुनिए, पिछले 6-7 साल के अंदर आपने ऐसे काम किए हैं कि लोगों को आज सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि अधिकारों का जिस तरीके से बेजा इस्तेमाल किया गया है
और जिस तरीके से आपने यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाई है और जिस तरीके से यहाँ पर शासन चला है, उसको देखकर ये लगता है कि कोई ना कोई चेक हमेशा चुने हुए प्रतिनिधियों पर भी होना चाहिए। ये देखिए।